स्टार्ट। हाय गाइस, मेरा नाम बाबा ओके वाला है और आज मैं आपको एक स्पेशल और परफेक्ट चिलम बनाना सिखाऊंगा जिसका नाम है बाबा स्पेशल। हमेशा ध्यान रखिए फ्लेवर फ्रेश ही लें क्योंकि फ्रेश फ्लेवर के अंदर फील अलग ही आती है। कैसे बनाएं हम एक परफेक्ट चिलम? चिलम बिल्कुल साफ जिसके पांच होल होते हैं, पांचों होल देख लीजिए ठीक से खुले हैं या नहीं, नहीं तो स्मोक ब्लॉकेज हो जाएगी। ये आ गया हमारा फ्लेवर, उसके बाद हमारे को फ्लेवर नाइफ से चॉप करना है इस तरह। एंड मेक श्योर हमको फ्लेवर इतना नहीं चॉप करना है कि वो मेल्ट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पांच होल, जो मेन सेंटर होल है उसको हम क्लियर रखेंगे। और एक चीज का हमारे को खास ध्यान रखना है कि फ्लेवर और सिल्वर फॉल के अंदर कभी भी इतना गैप होना चाहिए। बिल्कुल यूट्यूब पे डाल दें। इससे क्या होता है कि हमारा फ्लेवर हिट नहीं करता है इस तरीके से, क्योंकि अगर सिल्वर फॉल और फ्लेवर के अंदर इतना से भी टच हो गया तो फ्लेवर हिट कर जाएगा, जल जाएगा। एक परफेक्ट चिलम जब भी पता चलती है कि अब परफेक्ट बनी है जब तक उसमें परफेक्ट स्मोक ना आए। कम से कम 25 से 30 या 40 होल हमारे को अपनी चिलम के अंदर करने हैं। अब हम इसमें लगाएंगे साइड फॉल, साइड सिल्वर फॉल। साइड सिल्वर फॉल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास गेस्ट है या हमारे कोई फंक्शन है, पार्टी है, बर्थडे है, इवेंट है, तो साइड सिल्वर फॉल का लगाने का मतलब ये होता है कि कोयला हल्का सा हिला, किसी ने हमारा हुक्का हिलाया, कोल किसी के कपड़ों पे गिर गए, सोफे पे गिर गए, कुर्सी पे गिर गई, उससे कपड़ा जलने का डर रहता है। पैक बिल्कुल, ये एक चिलम हमारी परफेक्ट रेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे मेक श्योर हम कभी भी अपनी चिलम के अंदर सेंटर में एक भी छोटी कोल नहीं रखेंगे, उससे फ्लेवर जल्दी जल जाएगा। तीन पब में हुक्का स्टार्ट होना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी परफेक्ट चिलम बन चुकी है। 1, 2 एंड लास्ट वन, प्योर वाइट स्मोक। दिस इज बाबा स्पेशल फॉर यू।